गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने दो अलंकार पढ़े थे। इससे पूर्व वाली वीडियो में एक प्रथा के उपमा अलंकार और दूसरा था रूपक के अलंकार। इन दोनों की हमने जो विशेषताएं बताई थी उनमें इसमें उपमेय और उपमान के मध्य उपमेय उपमान इन दोनों के बीच में एक तो पाया जाता है योजक के और दूसरा योजक चिन्ह के जस से तुरंत बाद में कुछ वाचक शब्द लिखे होते हैं जैसे सा से सी सम सदस लो जिमी इत्यादि। तो उसमें उपमा अलंकार पाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था रूपक अलंकार, उससे अलंकार की विशेषता मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी कि इसमें उपमेय और उपमान के मध्य वही स्थिति होती है जैसी उपमा अलंकार में होती है, तो योजक चिन्ह पाया जाता है या फिर योजक चिन्ह नहीं होता है। तो जब हम उस कार्य प्रति का भावार्थ ग्रहण करते हैं या अर्थ ग्रहण करते हैं तो एक शब्द है जो पहले प्रकट नहीं होता है, पहले छिपा हुआ रहता है, भावार्थ करते हैं तो वह शब्द निकल कर सामने आता है और वो शब्द होता है रूपी शब्द। तो उसमें रूपक अलंकार होता है। अब इन्हीं से मिलती जुलती कुछ थोड़ी सी हट करके विशेषताओं वाला अगला अलंकार हम पढ़ने जा रहे हैं जो इस लक्षण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। संभावना, संभावना का अर्थ होता है संभावना, प्रेक्षा यानी उत्प्रेक्षा, प्रकृत से का अर्थ होता है प्रकृति यानी उपमेय और उपमान दोनों की जो प्रकृति है उस प्रकृति में केवल पूर्ण रूप से संभावना या समानता नहीं दर्शाई जाती है, पूर्ण रूप से समानता नहीं प्रकट होती है बल्कि उन दोनों की प्रकृति के हिसाब से या प्रकृति के अनुसार कभी उपमेय व उपमान में केवल संभावना प्रकट कर देता है, शायद इस कारण से ऐसा हुआ होगा। देखिए जैसा पहले वाले उदाहरण में देखा है दादू धोनी, तो इस अलंकार का नाम होगा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार की विशेषता यही होती है कि इसमें उपमेय व उपमान दोनों को एक समान नहीं माना जाता है बल्कि कभी उन दोनों की समानता की केवल संभावना प्रकट कर देता है। जैसा इस उदाहरण में देखिए दादू कहते हैं मेंढक को, ध्वनि का अर्थ होता है ध्वनि, चम का अर्थ होता है चारु और सुहाई, सुहाई का अर्थ होता है सुहावना। वेद पढ़ते, पढ़त का अर्थ होता है पढ़ना, जनु जनु का अर्थ होता है जानो, बटु समुदाय, बटु का अर्थ होता है रहागी। अभी सूर्य काय मंत्री का भावार्थ ये होगा कि वर्षा ऋतु के समय में आप जानते हैं कि किन की ध्वनि सुनाई देती है, चारों तरफ मेंढकों की, वर्षा ऋतु का जब समय होता है उस समय मेंढकों की ध्वनि चारों तरफ सुनाई देती है और वह ध्वनि कुटी तो मेंढकों की है लेकिन एक जो राहगीर है वो उसी रास्ते से गुजरता है तो उस राहगीर को मेंढकों की ध्वनि ऐसी लगती है कि जैसे किसी ऋषि के आश्रम में उसके समस्त शिष्य मिल करके इसके पाठ का उच्चारण कर रहे हैं, वेद पाठ का उच्चारण कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि उसमें ध्वनि तो मेंढकों की होती है लेकिन उस राहगीर को केवल वो ध्वनि
प्रतीत होती है उसे ऋषि के शिष्यों की ध्वनि प्रतीत होती है। तो शिष्य अपने ऋषि के आश्रम में अपने गुरु के आश्रम में एक समेत उच्चारण के साथ वेद पाठ का मंत्रोच्चार कर रहे हैं। अगला है जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हीरकों में गोल नीलम जड़े। इसमें कभी एक नायिका के बड़े नेत्रों का उल्लेख कर रहा है कि उस नायिका के नेत्र ऐसे हैं, ऐसे लगते हैं जैसे मानो उसकी आंखों में हीरकों का अर्थ होता है हीरे, नीलम का अर्थ है नीलम एक प्रकार का नगीना होता है। उसे नायिका की आंखों में नीलम रूपी नगीनी जड़े हुए हो, यानी वास्तविकता तो यह है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है लेकिन कभी को उसकी आंखों देख करके किसी संभावना प्रकट होती है कि जैसे उसकी आंखों में नीलम जड़े हुए हो। अगला इसकी इस अलंकार की एक और विशेषता होती है कि इस अलंकार में कुछ वाचक शब्द निर्धारित होते हैं। इस अलंकार में कुछ शब्द वाचक शब्द होते हैं और वो शब्द होते हैं आपके मानो मनु मन हूं, मानो मनु मन हूं, जानो जनु एवं जन हूं। ये शब्द है जो इस अलंकार में वाचक शब्द के रूप में काम में आते हैं। मानो मनु मन हूं, जानो जनु और जन हूं। देखो बच्चों हमें अगर किसी काव्य पंक्ति में ये सारे शब्द हैं वाचक शब्द के रूप में दिखाई देते हैं तो उस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार माना जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। अगर किसी काव्य पंक्ति में हमें ये सारे वाचक शब्द दिखाई देते हैं या लिखे भी मिलते हैं तो उस काव्य पंक्ति में हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार ही माना जाएगा। अभी जो उसके बाद में अगला अलंकार है वो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे अलंकार की थोड़ी सी आपको विशेषताओं का उल्लेख कर लूं कि इस अलंकार की विशेषता ये होती है कि जो मनुष्य की क्रियाएं होती है मनुष्य की क्रियाकलाप या मनुष्य की क्रियाएं उन क्रियाओं का कवि क्या करता है? प्राकृतिक पदार्थों पर आरोपण कर देता है। जो प्राकृतिक पदार्थों की विशेषताएं होती है उन विशेषताओं को हटा करके उन विशेषताओं के साथ साथ कवि क्या करता है? प्रकृति और मनुष्य इन दोनों की विशेषताओं को एक साथ दर्शा देता है। यानी कवि वर्णन मनुष्य का भी कर देता है साथ साथ में और मनुष्य के साथ साथ इसका वर्णन कर देता है प्राकृतिक। मूल रूप से जो प्राकृतिक विशेषताओं का जिक्र करता है उस प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ उस प्रकृति के ऊपर मनुष्य की क्रियाओं का भी वो क्या कर देता है? आरोपण कर देता है। मनुष्य की जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का जो प्राकृतिक पदार्थों के ऊपर क्या करता है? आरोपण कर देता है। उसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? मानवी करण अलंकार। कवि जब प्राकृतिक पदार्थों का वर्णन करता है प्राकृतिक पदार्थों पर मनुष्य की क्रियाओं का आरोपण कर देता है तो उसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? मानवी करण अलंकार माना जाता है। जैसा इस तरह दर्शन में देखिए पहला उदाहरण है उद्धव। उद्धव का अर्थ होता है उद्धव श्री कृष्ण का परम नेत्र था। मन ने थे 10 से 20 जब श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए अपने परम मित्र उद्धव को गोकुल भेजते हैं तो उस समय गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव हमारे पास
कोई 10-20 मने नहीं है। मन का अर्थ होता है आत्मा या हृदय। हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक तो सो गयो श्याम संग औलादे ई। हमारे पास केवल एक ही मन था, हमारी एक ही आत्मा थी जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चली गई। तो यहाँ पर कवि ने मन को क्या बताया है, चलायमान बताया है, मन को चलायमान बताया है। इसी कारण से इसमें कौन सा अलंकार होगा, मानवी कर्म अलंकार। आगे देखिए संध्या, संध्या कहते हैं शाम के समय को। धनमाला, धन कहते हैं बादल को, माला का अर्थ होता है समूह है। ओढ़े, ओढ़े का अर्थ होता है ओढ़ना। रंग बिरंगी, बिरंगी का अर्थ होता है अनेक प्रकार की छीन, जो अपने आंचलिक शब्द है, कपड़े का एक आंचलिक शब्द है जो महिलाएं धारण करती है उससे। तो यहां पर कवि ने संध्या को मनुष्य के समान बताया। संध्या को किसकी क्रियाओं के समान बताया है, मनुष्य की क्रियाओं के समान। अर्थात कवि यहां पर संध्या का उल्लेख कर रहा है, यानी कवि मूल रूप से वर्णन तो उसका कर रहा है शाम के समय का, लेकिन उस संध्या में कवि मनुष्य की कुछ क्रियाओं का भी आरोपण साथ साथ में करता जा रहा है। संध्या धर्माला, कवि कहता है शाम के समय में जो संध्या है वो बादलों के समूह रूपी। ओढ़े, ओढ़े का होता है ओढ़ना, बादलों के समूह रूपी ओढ़ने को उसने धारण कर रखा है जिसका रंग भी क्या है अनेक प्रकार का है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसमें मनुष्य की क्रियाओं का प्राकृतिक पदार्थ के ऊपर आरोपण कर दिया जाता है तो उसमें मानवीय